मुरादाबाद सब्जी आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन ने सोमवार को मुरादाबाद कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर मांग करी कि सब्जी मंडी को प्रत्येक माह की 15 तारीख को भी खोला जाए। कहा कि कोरोना काल के शासन आदेश का पालन करते हुए हर माह की 15 तारीख को मंडी की छुट्टी की गई थी, लेकिन अब कोरोना काल खत्म हो चुका है और फल सब्जी कल्याण समिति के अध्यक्ष, महामंत्री और बाकी सदस्यों ने हर माह की 15 तारीख को मंडी खोलने से इनकार कर दिया है। जबकि भीषण गर्मी होने के कारण आलू प्याज और सब्जियों के सड़ने का खतरा रहता है और इससे किसान व्यापारी और आढ़ती को काफी नुकसान होता है और सरकारी टैक्स की भी हानि होती है। प्रदर्शन के बाद संगठन के पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन संबंधित अधिकारी को दिया और बताया कि नवीन मंडी स्थल मंझोला मुरादाबाद के प्रथम गेट से द्वितीय गेट तक सड़क के दोनों तरफ फल व सब्जी के 10% आढ़तियों द्वारा सुबह 6 बजे से 2 बजे तक मेन रोड पर आढ़तियों के सामने गाड़ी व ठेले खड़े करके सड़क पर अवैध कब्जा करके रास्ता बंद कर दिया जाता है। 90% आढ़तियों किसानों एवं व्यापारियों का व्यापार बाधित होता है, जबकि इस मार्ग पर सरकारी दैनिक कर्मचारी वकील अस्पताली एम्बुलेंस स्कूली बच्चे भी आते जाते हैं। अतिक्रमण होने के कारण अति विलम्ब हो जाता है, जिससे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अतिक्रमण को गंभीरता से हटाया जाए। प्रदर्शन के दौरान अध्यक्ष महावीर सिंह सैनी, सचिव हरिओम गुप्ता के अलावा सुनील कुमार गुप्ता, विवेक कुमार शर्मा, हरिओम गुप्ता, अनुज कुमार सैनी आदि मौजूद रहे। क्या नाम आपका? महावीर सिंह सैनी जी। किस उसमें ज्ञापन दिया आपने? हमने मंडी खोलने के संबंध में एक सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन हमारा जिलाधिकारी महोदय के नाम है और मंडी में जो सड़क पे अतिक्रमण हो रहा है उसमें उसका भी विषय खोला गया है। आढ़तियों द्वारा रोड जाम किया जाता है, जिससे रोड पे सरकारी दैनिक कर्मचारी, वकील, सरकारी एम्बुलेंस और स्कूली बच्चों को आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इससे किसान एवं व्यापारियों आढ़तियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस जी की सुविधा के लिए, समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट जी को दिया गया है। ठीक है, लगभग कब से ये समस्या है? ये समस्या काफ़ी दिनों से आ रही है। हम खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन मंडी में एक दूसरी यूनियन है, फल सब्जी कल्याण समिति, जिसके अध्यक्ष प्रीतम सिंह सैनी हैं, महामंत्री राजकुमार जी हैं, राजकुमार सैनी जी, और विनोद शर्मा जी, और अदरवाइज संस्था के सदस्य खोलने से 15 तारीख को इनकार करते हैं और अवैध रूप से किसान आढ़तियों एवं व्यापारियों को धमकाते हैं। ये समस्या काफ़ी दिन से चली आ रही है। हमने पहले भी सचिव महोदय को लिखित रूप में, मौखिक रूप में अवगत करा चुके हैं। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय को भी इस समस्या के समाधान से अवगत करा चुके हैं। समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो आज परेशान होकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी को के नाम सौंपा गया है। आपकी कौन सी यूनियन है? हमारी यूनियन का नाम है सब्जी आढ़ती वेलफेयर एसोसिएशन। उस यूनियन का आप क्या है? मैं उस यूनियन का अध्यक्ष हूँ, महावीर सिंह सैनी। आप उस यूनियन के महामंत्री हैं। और दूसरी यूनियन का क्या आरोप है? दूसरी यूनियन मंडी जो है बंद करना चाहती है, मंडी बंद करना चाहती है, बंद करना चाहती है और सड़क पे अतिक्रमण उसी दूसरी यूनियन का है। क्या ऐसा कोई प्रदर्शन या ज्ञापन दिया उन्होंने जो बंद करने का कुछ ऐसा? उन्होंने कोई ज्ञापन दिया या ना दिया, लेकिन उन्होंने पीछे अभी हंगामा किया था हमारे खिलाफ, उसकी वीडियो है, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा। आप हमारे महामंत्री